हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी टाइम दिन के 3:40 हो रहे हैं और मौसम देख लो, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। आज तो एकदम ही अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है या फिर सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज दिल्ली का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है। आज सुबह भी इतनी ज़्यादा धुंध लग रही थी। मैं जब जिम जाता हूँ ना 5:30-6 बजे के आसपास, तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा धुंध थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये देखो अल्टो क्या बढ़िया लग रही है। पुरानी वाली अल्टो ज्यादा बढ़िया लगती है नई वाली से, लेकिन पुरानी वाली थोड़ी छोटी थी लेकिन उसकी शेप बहुत ज्यादा मस्त थी। अब नई वाली की शेप इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे गाड़ियों का काम चल रहा है, पेंट वेंट हो रहा है। तो आज आपको हैंडल थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा। मैंने इसका जो फ्लैग है वो निकाल दिया है क्योंकि पुराना हो गया था। किसी ने कमेंट भी किया था कि धुलवा लो इसे। तो लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा आपने, मैं नया लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा खाली चला के देखते हैं कैसा लगता है, फिर उसके बाद लगाएंगे न्यू वाला फ्लैग। वैसे खाली चलाने में इतना मजा नहीं आ रहा, बस ये है कि मीटर थोड़ा ज्यादा साफ दिख रहा है, पर चलाने में मजा नहीं आ रहा। वो ऐसे उड़ते रहते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। और बाकी नया वाला टायर यार बहुत ही ज्यादा मस्त है, चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है स्कूटी को। एक तो स्कूटी ऊंची सी हो गई है, ऊपर से ग्रिप बहुत ज्यादा मस्त हो गई है, और ऊपर से हवा कम नहीं हो रही टायर में, तो स्कूटी एकदम स्मूथ चल रही है, माइलेज भी ज्यादा दे रही है। पहले वाले टायर में हवा कम हो रही थी ना बार बार, तो उसकी वजह से माइलेज बहुत ज्यादा गिर गई थी, और ऊपर से स्कूटी बहुत ज्यादा फिसल भी रही थी, तो इसलिए अब सब चीज बढ़िया हो चुकी है। और ठंडियों में यार एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है, बार बार टॉयलेट आती है। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी एक टॉयलेट ब्रेक लेना पड़ेगा किसी पेट्रोल पंप में। क्रेटा टर्बो, इसके साइलेंसर में से कितना धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है भाप। और मेरे पीछे जस्ट पीछे बस है, लाल वाली बस। यहाँ पे टॉयलेट बना तो रखा है, इसमें जाके देखते हैं। जेंट्स, ओहो अब बढ़िया लग रहा है। दिल्ली में यार ये चीज बढ़िया है, जगह जगह टॉयलेट बना रखे हैं और ऐसे बैठने के लिए बना रखे हैं, और ये पैदल चलने का रास्ता है तो बढ़िया है यार दिल्ली। वैसे पैदल और साइकिल का रास्ता, वो देखो आगे बोर्ड भी लगा है साइकिल का। अब चलते हैं फटाफट, वैसे भी लेट हो रहा हूँ मैं। अरे 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 इधर से रास्ता है भी। ओहो थोड़ी सी कुदानी पड़ेगी स्कूटी, चलो भैया कुदा दो। और इधर जाम लग चुका है तो हम चलेंगे सर्विस रोड से। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे ये वो है सिक्स राय, यहीं पे अंदर वाला कॉलेज भी है, शहीद भगत सिंह कॉलेज। और अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ तो वापस आते टाइम ही लगाऊंगा वो फ्लैग। और आज पहली बार इन टायर्स में मैं इतनी लंबी स्कूटी चला रहा हूँ। तो ये टायर मैंने परसों लगाए थे, तब से मैंने स्कूटी चलाई नहीं है, उसी दिन चलाई थी बस घर तक, तब से आज ही चला रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे चलते हैं ये, वैसे अभी तक तो बढ़िया ही चल रहे हैं। और स्कूटी की टंकी आधी से भी नीचे हो गई है इसकी डंडी, अभी मैंने परसों ही तेल फुल कराया था, कहीं भी नहीं ले गया हूँ परसों से। तो मैं इसे बस घर गया था, फिर मैं टायर लगाने गया था बस, उतने में इसकी टंकी आधी हो गई। ओ भाई ये ट्रक वाला तो पूरी वो कर रहा है ऑफ रोडिंग, डिवाइडरों पर चढ़ा रहा है। My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. ग्रिप तो यार बढ़िया है इनकी, और शायद मैं बहुत दिनों से वैसे पुराना टायर चला रहा था ना, तो हो सकता है मुझे इसकी ग्रिप इसलिए ज्यादा लग रही हो। So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. तो अब अपना फ्लैग लगा देते हैं स्कूटी पे, अभी तक निकाला भी नहीं है मैंने। अरे निकलेगा कैसे ये, तो अभी फिलहाल मैंने टेम्पररी लगा दिया है, बाकी घर जाके इसे बढ़िया एडजस्ट करूंगा। इस बार का फ्लैग यार अलग है पहले से। तो फ्लैग लग चुका है अपना, अब चलते हैं यहाँ से। ओ भाई कैसे उड़ रहा है ये, अभी स्टार्टिंग में ना इसके वो एकदम कड़क होते हैं, फिर धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ढंग से लहरते हैं। स्टार्टिंग में तो हल्की सी हवा में भी लहरने लग जाते हैं। और नए टायर लगाने के बाद स्कूटी चलाने में यार मजा आ गया, आज मन कर रहा है चलाते ही जाऊं चलाते ही जाऊं चलाते ही जाऊं। टायर भी यार बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसलिए हमें हमेशा टाइम पे टायर चेंज करा लेने चाहिए, ये बात मुझे आज पता लगी। पहले मैं इग्नोर करता था टायर को और खासकर फ्रंट वाले टायर को, पर जो स्कूटी की हैंडलिंग है कॉर्नरिंग है वो सब आगे वाले टायर पे डिपेंड होती है। अब इसे चेंज करके क्या बढ़िया हैंडलिंग हो गई है, क्या बढ़िया ग्रिप कर रहा है टायर, ये देखो
इतने में ही पता लग जा रहा है कि टायर नया है। और ऐसा नहीं है कि सीएट का ही डलाओगे तभी बढ़िया चलेगी स्कूटी, कोई सा भी ब्रांड का डलाओगे नए टायर तो बढ़िया ही चलेगा। तो यहाँ से शुरू हो गया है मेन रोड, और फ्लैग लगता है मैंने ज्यादा ही लूज बांध दिया है, उड़ ना जाए पूरा निकल के ही। और अब जैसे अंधेरा होने लग जाता है ना, धुंध लगने लग जाती है, मेरे ख्याल से तो सारा पोल्यूशन ही है। तो अभी से रुक के दोबारा सेट किया है, अभी भी वैसे ढंग से हुआ नहीं है, पर अब मैंने थोड़ा टाइट कर दिया है, नहीं तो उड़ रहा था यार, बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। और जो पुराना वाला फ्लैग है वो मैंने घर पे ही रख दिया है, तो जब ये पुराना होता है तो इसे फेंकते नहीं है इधर उधर, जब ये पुराना हो जाता है ना तो इसको जला देते हैं, जब नया चेंज करते हैं, जो पुराना वाला होता है उसे जला देते हैं, लेकिन मैं जलाता नहीं हूँ, मैंने अपने घर की जो विंडो है ना उस पर लगा रखे हैं अपने सारे फ्लैग पुराने वाले, तो दिखाऊंगा आपको घर जाके। देख रहे हो आजकल जिस भी ओला वाले को देखो वो गाने चला के चलता है, बढ़िया है। वैसे मैं भी लगा देता हूँ अपनी स्कूटी में दो स्पीकर ब्लूटूथ वाले, पर उसमें वही है इंटरनल है, उन्हें चार्ज वार्ज नहीं करना पड़ेगा। और ये जो फ्लैग होता है किसी भगवान का नहीं होता, ये बस इसलिए लगाया जाता है जो इसमें मंत्र लिखे होते हैं ना, जब उससे हवा टकरा के हमारे ऊपर लगती है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए लगाया जाता है, वैसे किसी भगवान का नहीं होता। तो अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं जिम जा रहा हूँ। देखो कितना ज्यादा अंधेरा हो रहा है, ये चल रही हमारी बाइक। तो 7:30 बज गए और वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं घर। तो अभी टाइम दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और जिम से आके खाना वाना खा के फिर मैं एडिटिंग वगैरह करने लग गया था। तो C8 के जूम टायर का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, बाकी का बाद में पता चलेगा। अभी तो स्कूटी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ग्रिप भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।